आस्था का संचार करती है प्रकाश के माध्यम से। नरेंद्र मोदी सरकार का आना हुआ और उसके बाद में देश में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। जब नरेंद्र भाई को एनडीए के संसदीय दल का नेता चुना गया, उस वक्त उन्होंने भाषण में कई बातें रखी थी, मगर आज मैं इनमें से दो ही बातों का जिक्र करना चाहता हूं। इन्होंने कहा था कि जो सरकार बनने जा रही है भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार, वो सरकार देश के गरीबों को, देश के दलितों को, देश के आदिवासियों को, देश के पिछड़ों को, किसानों को और गांव को समर्पित सरकार होगी। दूसरा उन्होंने कहा था कि मैं देश की जनता को भरोसा देना चाहता हूं कि हम दुनिया में देश के गौरव को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, दुनिया में देश के गौरव को ऊपर ले जाने का काम करेंगे। और चार साल के बाद जब पीछे मुड़ कर देखते हैं तो नरेंद्र मोदी जी अपने इन दोनों वादों पर खड़े उतरे हैं और दोनों वादों को चार साल के समय में ही पूर्ण कर पांचवें साल में प्रवेश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को गौरव है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमने एक भ्रष्टाचार विहीन पारदर्शी सरकार दी है, एक निर्णायक कड़े फैसले करने वाली सरकार दी, हमने एक लोगों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील सरकार दी है, हमने एक रोकाभिमुख सरकार दी है और हमने गरीब गांव और किसानों का हित समझने वाली सरकार देने का काम किया है। मित्रों, जो दो वादे मैंने कहे वो दो वादों के बारे में मैं बाद में आपको बताऊंगा, परंतु भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने इस देश में जब से संविधान को स्वीकार किया, लोकतंत्र को स्वीकार किया, तब से कई प्रकार के द्वंद्व सरकार चलाते वक्त खड़े हुए हैं। सरकार बनते ही विवाद शुरू होता था, ये सरकार किसानों की सरकार है या सरकार उद्योगों की सरकार है। नरेंद्र मोदी सरकार ने सफलतापूर्वक ये द्वंद्व समाप्त किया है, एक सरकार किसानों के लिए भी अच्छे से अच्छे फैसले ले सकती है, इसकी हर समस्या का समाधान कर सकती है और देश के अर्थतंत्र को में भी डिसिप्लिन लाकर सभी पैरामीटर्स को सुधार कर सकती है। ये नरेंद्र मोदी सरकार ने एस्टैब्लिश किया है।